कि आज हमारे नौजवानों को गुंडागर्दी का बड़ा शौक है, थोड़ा सा जिसमें ताकत आ गई तो किसी को भी मार दिया, किसी को भी दो चार थप्पड़ मार दिया, जरूरत पड़ी तो बंदूक भी निकाल ली। इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ताकतवर बनने का हुक्म देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल मोमिनुल कवियो खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ। ताकतवर मुसलमान, ताकतवर मोमिन कमजोर के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है, अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मगर ताकत का इस्तेमाल जुर्म खत्म करने के लिए होना चाहिए, जुर्म को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। समाज से अन्याय को खत्म करने के लिए होना चाहिए, अन्याय को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुसलमान क्रिमिनल नहीं हो सकता, मुसलमान कातिल नहीं हो सकता, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, कयामत के दिन जुल्म करने वाले को रोशनी नसीब नहीं होगी, कयामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। और प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो दुनिया में जुल्म करेगा कयामत के दिन अपनी नेकियों से हाथ धो देगा।